दोस्तों सैमसंग अपने लॉन्च करने जा रहा है 3 नए स्मार्टफोन। ये जो लॉन्च होने वाले हैं 20 फरवरी को लॉन्च होने वाले हैं। कौन से फोन सैमसंग लॉन्च करने वाला है मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा चलो देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमन, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ हमारे वास्तविक टेक चैनल पे। तो 3 सैमसंग अपने नए फोन लॉन्च करने वाला है, सैमसंग S10, सैमसंग S10 Plus और सैमसंग S Lite। ये 3 वेरिएंट में लॉन्च होने वाला है। तो सैमसंग S10 और सैमसंग S10 Plus के बारे में कुछ रूमर्स निकल के आए हैं, रूमर्स नहीं है, कंफर्म है, मैं आपको इस वीडियो में पूरा बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ सैमसंग के S10 को लेकर के। दोस्तों इसमें जो आपको डिस्प्ले मिलती है वो 6.1 इंच की आपको डिस्प्ले मिल जाती है। ये आपको इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले के साथ आता है, और मैं आपको ये भी बता दूं कि आपको पंच होल डिस्प्ले के साथ देखने को मिलेगा। सैमसंग का जो ये वाले फोन है बहुत ही कमाल के फोन होने वाले हैं। और अब बात करें इसके प्रोसेसर की, तो ये आपको सैमसंग, मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करता है, ये वैसे जो इंडिया में लॉन्च होता है तो एक्सिनोस के साथ लॉन्च होता है, ग्लोबली लॉन्च होता है तो ये क्वालकॉम के साथ होता है। तो इसमें ग्लोबली लॉन्च होगा ये, तो क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 के साथ लॉन्च होगा, और ये इंडिया में आपको देखने को मिलेगा तो एक्सिनोस के 980 पर देखने को मिलेगा। वैसे आपको क्या लगता है इसके बारे में प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर हम बात करें बैटरी की, तो इसमें आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। वैसे कुछ बताया जा रहा है कि टाइप सी पोर्ट के साथ आएगा, और मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि ये पहला ऐसा फोन होगा जो वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आएगा। मतलब क्या है, ये आपका वायरलेस चार्जर इसमें सपोर्ट करेगा। तो ये सैमसंग ने बहुत ही एडवांस फीचर्स डाला है अपने सैमसंग S10। रैम की बात कर लेते हैं, तो इसमें आपको 2 वेरिएंट देखने को मिल जाएंगे। एक आएगा आपका 6GB जो कि आएगा 128GB के साथ, दूसरा जो आएगा वो आपका आएगा 8GB जो कि 512GB स्टोरेज के साथ आएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको अब तक की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, क्योंकि अटेंडेंस इज वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। सैमसंग S10 में मिलने वाले आपको 4 कैमरे 3 कैमरे आपको बैक में देखने को मिलने वाले हो, और एक कैमरा आपको फ्रंट में देखने को मिलने वाला है जो कि साइड में दिया गया है। लेकिन ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इसमें आपको कितने मेगापिक्सल के कैमरे देखने को मिलने वाले हैं, लेकिन आपको पता है सैमसंग है तो कहीं ना कहीं अच्छे कैमरे लेकर के। सैमसंग का ये फोन अलग अलग कलर में लॉन्च होगा, ब्लैक में होगा, व्हाइट में होगा, और ब्लू में होगा, और ग्रीन में भी आपको देखने को मिलने वाला है। तो फाइनली बात कर लेते हैं हम लोग प्राइस की, तो इसमें आपको जो 6 120 वाला जो स्टोरेज है वो आपको मिलने वाला है 899 यूरो। अगर उसको ये इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो 73,000 या 74,000 के आसपास बनता है। तो प्राइस तो थोड़ा सा ज्यादा होने वाला है। और अगर हम ये दूसरे वेरिएंट की बात कर रहे हैं, इसमें 8GB 512GB का स्टोरेज है वो आपको मिलने वाला है 1149 यूरो के। तो अगर उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो वो बनता है आपका 93,000 के आसपास। तो प्राइस तो थोड़ा सा हाई रखी है सैमसंग के S10 में। आपको क्या लगता है प्राइस को लेकर के प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं, सैमसंग अपनी एक M सीरीज को भी लॉन्च करने वाला है, जो कि लॉन्च होने वाली है 5 फरवरी को। इसकी एक वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, जिसका लिंक मैं अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, और मैं अपने आई बटन में भी दे रहा हूँ। अगर आप चाहें तो वहां से जाकर के इस वीडियो को देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे सैमसंग ने बजट में फोन लॉन्च किया और काफी अच्छे फोन है। मैं आपको सही से करना चाहूंगा कि प्लीज एक बार जाकर वो वीडियो जरूर देखें। अगर आप इधर पहली बार कोई वीडियो देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब कर लो, साथ में घंटी को दबा डालो। बात कर लेते हैं हम लोग सैमसंग के S10 Plus के बारे में। तो इसमें आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाली है, वो 6.44 इंच की डिस्प्ले देखने को मिल रही है, वही इन्फिनिटी ओल्ड डिस्प्ले आपको देखने को मिलेगी, और पंच होल वाली आपको डिस्प्ले देखने को मिलने वाला है जो कि S10 में मिली है। इसमें अगर हम बात करें प्रोसेसर की, तो इसमें भी आपको सेम प्रोसेसर देखने को मिलने वाला है, क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 855 जो कि ग्लोबली आएगा। अगर हम बात करते हैं इंडिया में, तो ये एक्सिनोस के साथ आएगा जो कि 890 पे वर्क करेगा।
तो मैंने आपको पहले बताया, पता नहीं सैमसंग ऐसा क्यों करता है, अगर आपको पता हो तो प्लीज हमें बताइए कमेंट सेक्शन। बात कर लेते हैं इसमें बैटरी की, तो सैमसंग के S10 से ज्यादा बैटरी देखने को मिल जाती है, वहाँ पे आपको 3500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, यहाँ पे आपको 4000 mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। ये भी वायरलेस चार्जिंग की टेक्नोलॉजी के साथ आएगा, दोनों ही फोन वायरलेस टेक्नोलॉजी के साथ आएंगे। बात करते हैं इसमें रैम की, तो इसमें बताया जा रहा है कि 3 वेरिएंट आपको देखने को मिलने वाले हैं, जो कि आपका आएगा पहला जो वेरिएंट है 6GB जो आएगा 128GB के साथ, दूसरा जो आपका आएगा वो 8GB 512GB के साथ स्टोरेज के साथ आएगा, और जो तीसरा आएगा वो 12GB और 1TB स्टोरेज के साथ आएगा। कैमरे की बात कर लेते हैं, तो इसमें सैमसंग के जो S10 में आपको कैमरे मिलते हैं वहां पे आपको 4 कैमरे देखने को मिल जाते हैं, लेकिन सैमसंग के S10 प्लस में आपको 5 कैमरे देखने को मिलते हैं, 3 बैक में आपको कैमरे देखने को मिलते हैं और 2 फ्रंट में आपको कैमरे देखने को मिलते हैं। ये कंफर्म नहीं हुआ है कि कितने कितने मेगापिक्सल के कैमरे मिलते हैं, ना S10 का कंफर्म हुआ है ना S10 प्लस का कंफर्म हुआ है, तो कैमरे लेकिन आपको 5 देखने को मिलने वाले हैं। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि दोनों ही फोन्स में आपको डिस्प्ले में फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है। बात कर लेते हैं हम लोग इसकी प्राइस के बारे में, तो सैमसंग S10 प्लस की जो 6GB 128GB की जो प्राइस है वो 899 यूरो है, सेकेंड वेरियंट 8GB 512GB की जो प्राइस है 1249 यूरो है, जो कि अगर उसको इंडिया में कन्वर्ट करते हैं हम लोग तो कहीं ना कहीं 1 लाख के अप्रोक्सीमेटली बैठता है। तीसरा वेरियंट 12GB और 1TB वाला है, वो उसकी प्राइस है 1299, जो कि अगर आप इंडिया में कन्वर्ट करते हैं तो बैठता 1,22,000 रुपये। दोस्तों ये थे जो फोन जो सैमसंग की तरफ से कंफर्म हुए S10 और S10 प्लस, जो कि आपको 20 फरवरी को देखने को मिलने वाले हैं ग्लोबली, और जो इंडिया में आएंगे वो अगले ही दिन आएंगे, मतलब 21 फरवरी को आपको इंडिया में देखने को मिलने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों सैमसंग ने प्राइस तो थोड़ा सा हाई रखा है, आपको क्या लगता है प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो बस यार आज की वीडियो बस इतना ही, अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, साथ में घंटे को दबाना भी मत भूलिएगा।